तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो वीडियो है हम लोग शूट कर रहे हैं क्योंकि रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है और काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन था कि रेनी सीजन में अपनी गाड़ी को हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स ले आया हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगी कि रेनी सीजन में आप अपनी गाड़ी को कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो, और अगर कॉन्टेंट समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। द वेरी फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इज़ आपको सबसे पहले अपनी गाड़ी की बेसिक सर्विस करा लेनी चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग क्या करते हैं, सर्विस को डिले करते हैं, एक महीना, दो महीना, ढाई महीना, तीन महीना और मे भी किलोमीटर एक्सटेंड कर सकते, 8,000 हो गया, 10,000 हो गया, लेकिन सर्विस नहीं कर रहे। रेनी सीजन आया तो ये सब सारी चीज़ों को नहीं सोचे, आप सर्विस करवा लें अपनी गाड़ी की। ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, डीजल फिल्टर, ये सारी चीज़ों को चेंज कर ले तो इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी एक फ्रेश स्टार्ट लेगी। सेकेंड पॉइंट अपना ये है कि गाड़ी रेनी सीजन में अगर आपके पास एक स्टील पार्किंग है, प्रॉपर स्टील पार्किंग है जहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी होती है, तो ही आप अपनी गाड़ी पे कवर डालें। अगर आपके पास स्टील पार्किंग नहीं है तो गाड़ी पे कवर नहीं डालें, क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी रेनी सीजन में कवर गीला हो जाता है, बारिश आके चली गई पर कवर स्टिल गीला रहता है, तो कवर के वजह से रस्टिंग गाड़ी में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरीवन शुड नो कि रेनी सीजन में अवॉइड यूजिंग कवर्स इफ़ यू डोंट हैव अ स्टील पार्किंग। थर्ड पॉइंट है चेक इफ देर इज एनी वाटर लॉगिंग इन योर कार, कहाँ पर वाटर स्टोर हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये चेक करना है कि आपकी गाड़ी में पानी कहाँ पर स्टोर हो रहा है। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि गाड़ी का जो, जैसे यहाँ से पानी अंदर गया, यहाँ से पानी अंदर जाके पानी स्टोर हो जाता है इधर, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर होल्स होते हैं। आप अपने मैकेनिक को पूछोगे तो आपको बता देगा यहाँ पर होल्स होते हैं, तो यहाँ से पानी जब अंदर जाता है तो यहाँ से पानी निकलना चाहिए बाहर। मोस्ट ऑफ द केसेस में दरवाज़ों में पानी भर जाता है। आपका जो बूट होता है, वो बूट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बूट में पानी भरने के वजह से जैसे आप देखोगे यहाँ पर आपकी स्टेपनी होती है, यहाँ पर पानी भरते रहता है, तो पानी भरने के वजह से क्या होता है, रस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि गाड़ी में कहाँ पर भी पानी रुक नहीं रहा है, पानी निकल जा रहा है, देयर इज नो वाटर लॉगिंग इन योर कार। नेक्स्ट पॉइंट गाड़ी को लेके ये है कि आप अपनी गाड़ी को अगर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गाड़ी को यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं, रेनी सीजन में तो एकदम ही कम यूज़ करते हैं, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, तो दैट इज़ नॉट राइट। आपको आपकी गाड़ी को हर 2 दिन, हर 3 दिन में एटलीस्ट सेल्फ मारना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है, गाड़ी को स्टार्ट करके आपको गाड़ी में मूवमेंट लाना है। अगर गाड़ी की मूवमेंट होती रहेगी बराबर से तो आपकी जो व्हील बैरिंग्स होगी, व्हील बैरिंग जो टायर्स के अंदर होती है, व्हील बैरिंग्स प्रॉपर रहेगी और व्हील बैरिंग क्या होता है, मूवमेंट में रहेगी तो ख़राब नहीं होगी। अगर आप अपनी गाड़ी को यूज़ नहीं कर रहे हो तो रह के व्हील बैरिंग में रस्टिंग आ जाएगी और व्हील बैरिंग जाम हो जाएगी एंड देन लेटर व्हील बैरिंग आवाज़ करने लगेगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नो अबाउट योर। एक छोटा सा पॉइंट है बट इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, इसी के लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, कभी कभी इतनी ग्लास खोल के रखते हैं तो यहाँ पर पानी गिरता है और रेन वाटर गिर गिर के ये जो स्विचेस है ये ख़राब हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप विंडो को संभाले, अगर आप पानी फिर भी अंदर आ रहा है कभी कभार बाय चांस आ गया तो एक कपड़ा यहाँ पर आप हमेशा रखें और कपड़े से इस पार्ट को पोंछ लें, क्योंकि ये एक स्विच का कॉस्ट है 22 to 2500। दिस पॉइंट आई एम गोना टॉक अबाउट विच हैपेंड येस्टरडे विथ मी। कल पूरा दिन बारिश हुई, मैंने हैंड ब्रेक खींच लिया गाड़ी का, हैंड ब्रेक खींच के मैं घर पे चले गया पार्क करके गाड़ी। जब मैं नेक्स्ट डे नीचे उतरा तो देखा कि मैंने हैंड ब्रेक नीचे किया फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो वो क्यों हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप हैंड ब्रेक खींच के रखते हो बारिश में तो हैंड ब्रेक ना ड्रम को पकड़ लेता है, और फिर आपको जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो हैंड ब्रेक नीचे करते हो फिर भी वो चिपका हुआ ही रहता है ड्रम के साथ। तो बारिश में अवॉइड यूजिंग हैंड ब्रेक्स व्हेन यू पार्क योर कार। गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल दो तो भी चलेगा, अगर ज़्यादा स्लोप पे खड़ी रहती है आपकी गाड़ी तो कोई स्टोन या कुछ
आप अपने टायर के पास लगा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो हैंड ब्रेक खराब हो जाएगा, देन अगेन टू पुट द केबल एंड ऑल दैट यू हैव टू विजिट अ मैकेनिक। एक और एक पॉइंट जो मेरे साथ लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था, आई थिंक दो या तीन साल पहले हुआ था, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे पास एकॉर्ड थी और काफ़ी बारिश हो गई थी और मुझे दिख रहा था कि वहाँ पर पानी भर गया, फिर भी मैं अर्जेंट कुछ काम आ गया था मुझे और मैं गाड़ी लेके निकला था और गाड़ी अच्छी खासी डूबते हुए मैंने निकाला था, ऑलमोस्ट गाड़ी के गियर बॉक्स तक पानी पहुँच गया था। जब मैंने गाड़ी पार्क किया तो नॉर्मल कुछ लगा नहीं, जब मैं नेक्स्ट डे नीचे उतरा गाड़ी को सेल्फ मारा तो गाड़ी का फर्स्ट गियर लग ही नहीं रहा था। तो जब फर्स्ट गियर लग रहा नहीं था तब मैंने अपने मैकेनिक को फ़ोन किया, मैंने पूछा भाई फर्स्ट गियर जा ही नहीं रहा है, गाड़ी स्टार्ट तो हो गई लेकिन गियर नहीं गिर रहा है, क्लच भी दबा रहा हूँ परफेक्ट है। तो उसने कहा कि पानी में आपने डाला था गाड़ी, मैंने कहा हाँ कल मैंने पानी में डाला था, तो बोलता है मतलब आपका क्लच प्लेट चिपक गया है, क्लच में जो प्लेट्स होती है वो चिपक गई है, तो अभी आपको क्या करना है गाड़ी को बंद करो, फर्स्ट गियर में डालो, फिर गाड़ी को स्टार्ट करो और क्लच छोड़ो तो हल्के से आवाज़ आएगी टक करके और फिर आपका क्लच जो है वो छूट जाएगा। तो ये तो हमारे पहचान वाले मैकेनिक थे जिसने हमको बता दिया क्लियरली कि क्या होगा और कैसा करना है। अगर आपके साथ ये होगा तो मैकेनिक डेफिनेटली आपसे 2 से 5 हज़ार डेफिनेटली लेगा, अगर आपको ये चीज़ की नॉलेज नहीं है तो, क्योंकि वो डायरेक्ट गेयरबॉक्स उतार के पूरा काम करेगा। तो अगर आपको दिख रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा है और यू नो एनीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो ही आप गाड़ी लेके बाहर निकले और गाड़ी अननेसेसरी पानी में ना डूबाए। एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मुझे याद आया, दैट इज़ कार बैटरी। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी गाड़ी की बैटरी अच्छी हो, बैटरी एक बार चेक करवा लें, क्योंकि बैटरी जो है कभी कभार कैसा होता है अचानक से एकदम सडन शॉट दे देगी आपको। आप कहीं पार्क करके चले गए, बाहर गए, पार्क किए और बैटरी ख़त्म। रिसेंटली हुआ है मेरे पास जो ब्लैक स्काला है उसमें ये सेम सीन हुआ है, बैटरी घर पे आके पार्क किया, बैटरी डेड हो गई और नेक्स्ट डे जाके बैटरी वाले को दिखाया तो बैटरी का पानी नहीं था उसमें। तो बैटरी के पानी चेक करवा ले और कितना उसमें चार्जिंग है, ऑल्टरनेटर की चार्जिंग है, वो सारी चीज़ें आप चेक करवा ले। रेनी सीजन में आपको एक और एक चीज़ का बहुत सारा ध्यान रखना है, दैट इज़ योर पार्किंग। अगर आपके पास प्रॉपर पार्किंग है तो आप मेक श्योर करें कि आप गाड़ी को हर 2 दिन या 3 दिन में स्टार्ट करें और गाड़ी को मूव करते रहें, मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है चूहा बिल्ली ये लोग सारे घर बना देते हैं गाड़ी में, तो उसके वजह से उन लोग को भी प्रॉब्लम हो सकता है और आपको भी प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। अगर आपको कॉन्टेंट समझ में आ रहा है, अगर आपको ये 10 पॉइंट्स अच्छे लगे और आप रिलेट कर सकते हो तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें मेरे चैनल को। सी यू इन अदर वीडियो।